गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? आई होप आप बढ़िया कर रहे होगे अपनी ट्रेडिंग में। तो आज है वेनसडे का दिन और आज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, और जैसे कि हम लोग की बुलिश मोमेंटम और बुलिश जो सोच रहे थे कि मार्केट बुलिश होने वाला है, तो आज के दिन बुलिश ही है। तो आज हम लोग बुलिश का ही ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि मैं 2-3 दिन से जो है बुलिश का ही ट्रेड बनाना चाहता हूं, बट एक अच्छा लेवल नहीं मिल रहा। इस कारण जो है अभी तक मैंने कोई पोजीशन बनाई नहीं है, बट आज अगर हमें जो है अच्छा लेवल मिलता है तो हम लोग पुट सेल करना स्टार्ट करेंगे आज के दिन पे एग्रेसिवली, क्योंकि कल जो है निफ्टी ने हमें कंफर्मेशन दे दिया था जो कि कंफर्मेशन हमें चाहिए था। शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। ऑलराइट, आज जो है मार्केट अपसाइड पर ओपन हो रहा है जैसे कि देख सकते हैं, और जैसे कि एक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी था मार्केट जो है ऊपर साइड पे ओपन हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई बुलिश साइड पर मार्केट जो है कंफर्मेशन दे चुका था पहले ही कि मार्केट बुलिश में जाएगा। और निफ्टी देख लेते एक बार, ठीक है, निफ्टी खोल लेता हूँ मैं, निफ्टी का चार्ट। निफ्टी यहाँ पे चल रहा है, देखो निफ्टी भी अच्छा खासा गैप अप हुआ है कल, जिस हिसाब से क्लोजिंग चाहिए थी हमें, ये लास्ट की 3 कैंडल पूरा दिन को खा गया और अब जो है ऊपर साइड पर निकल रहा है मार्केट। अब बात ये आती है कि हमें एक अच्छा लेवल चाहिए जहाँ पे हम लोग जो है पुट सेल कर सकते हैं, और वो लेवल क्या हो सकता है? देखो आज के दिन हो सकता है कि हमें आज के दिन एक दिन वेट करना पड़े या ऊपर पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मिले हम लोग को ये एरिया में, और फिर अगले दिन हो सकता है दिसंबर 1 से हम लोग जो है पुट सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बात यह है कि हम लोग कल भी एग्रेसिवली यहाँ पे सेल कर सकते थे, ये वाले एरियाज था एक जो है एग्रेसिव सेल करने का, पुट सेल करने का यहाँ पे था, फिर यहाँ से जब ऊपर पे निकला मार्केट तो अब जाके जो है गैप अप हो रहा है, जो कि हमें एक कंफर्मेशन भी दे रहा है कि नहीं ऊपर जाना तो चाहता है। अब निफ्टी भी कल कंफर्मेशन दे दिया है, दोनों निकल चुके बाहर, अब हमें चाहिए एक अच्छा लेवल जहां पे हम लोग सेल कर सके, बस इतना ही हमें जो है देखना है अभी, और उसी की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे। तो जैसे भी जो भी पोजीशन होती है, अगर इन केस आज ही अंदर आता है फिर यहां से सपोर्ट लेके जाता है तो वो थोड़ा अजीब हो जाएगा, क्योंकि देखो एक बार अंदर आ गया फिर से तो फिर ये मीनिंग नहीं बनता। बट हो सकता है कि ये ऊपर अपर लेवल जो रहता है ना, यहाँ पे अपर लेवल जो है, तो हो सकता है ये अपर लेवल से सपोर्ट ले नीचे आके और फिर ऊपर जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एग्रेसिव जा सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी वाइज भी और पोजीशन वाइज भी, एंट्री वाइज दोनों साइड से भी हम लोग जो है यहाँ पे एग्रेसिव हो सकते हैं अभी, क्योंकि निफ्टी जो कंफर्मेशन नहीं दे रहा था अभी तक वो कंफर्मेशन दे चुका है। तो भाई अराउंड अभी जो है 1 बज रहे हैं और मार्केट में अच्छा खासा बिग मूवमेंट आ चुका है अपसाइड पर। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये वाली बड़ी कैंडल मार्केट ने जो बनाया है, और मैं ये मोबाइल पे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा लैपटॉप हो चुका है बंद, यहाँ पे जो है लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अभी, 1% ही इसमें बैटरी बची है, इसके वजह से मैं फोन में देख रहा हूँ। तो यहीं पे दिखा देता हूँ, देखो अभी खुल गया 1 मिनट के लिए यहाँ पे, मैं तुम लोगों को फटाफट दिखा देता हूँ क्या हुआ है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि हम लोग सुबह में सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर साइड पे जाएगा, सुबह में यही हम लोग का डायरेक्शन था कि मार्केट जो है अपसाइड पर जाएगा। इस दिन जो कंफर्मेशन दिया, प्लस मैं कल यही बोल रहा था कि बड़ी मूवमेंट तभी आएगी जब तक निफ्टी कंफर्मेशन नहीं देता, और वैसे ही जैसे ही कल मार्केट में निफ्टी ने एक कंफर्मेशन दे दिया, उसके बाद जाके मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट देखने के लिए मिला, जो कि है आज के लिए देखो एक कैंडल जो है एक 160 पॉइंट्स की है, जो कि ये विक्स के हिसाब से अच्छी खासी ही है। तो मार्केट अच्छा जो है अपसाइड पर जा रहा है, हमारा डायरेक्शन भी सही था, है ना, हमारा डायरेक्शन एकदम सही था और हर चीज सही थी, बस मेरे को एक कोई अच्छा लेवल चाहिए था जो कि अच्छा लेवल नहीं मिल रहा था मार्केट में, इस वजह से मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया। फर्स्ट कैंडल पे मेरे को सेल करना सही नहीं लगा, मैं पुट यहाँ पे सेल करने वाला था, कल भी यहीं पे मैं पुट सेल करने वाला था फर्स्ट कैंडल पे, बट फर्स्ट कैंडल काफी एग्रेसिव हो जाएगी, इस कारण मैं जो है यहाँ पे नहीं कर रहा था, हालांकि हमारा डायरेक्शन सही है। तो हमें जो है अपॉर्चुनिटी और मिलती रहेगी अभी, तो मैं पोजीशन जो है तुम लोग को बता देता हूँ आज की क्या है। देखो ऑर्डर हिस्ट्री में पोजीशन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, हाँ ठीक है मिस हो रहा है यहाँ पे, ये ट्रेंड जो है मिस हो रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि और अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी हमारे पास। तो भाई मार्केट हो चुका है ऑलरेडी क्लोज, और काफी बड़ी मूवमेंट हम लोग ने जो है मिस कर दी है आज के दिन पर, बट होता है,
ठीक है होता है, मैं एग्रेसिव नहीं गया आज के दिन, इतना सारा रिस्क हम लोग ने पहले ही ले चुका था। मैं तुम्हें जो है पोजीशन बता देता हूँ क्या है हमारी, कोई भी पोजीशन तो नहीं बनाया है बट फिर भी दिखाना जरूरी होता है मेरे भाई। तो भाई पोजीशन में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ओपन ऑर्डर्स में भी कुछ नहीं मिलेगा, ऑर्डर हिस्ट्री में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई यही सिचुएशन थी आज की, मार्केट बुलिश था, डायरेक्शन पता था, डायरेक्शन भी हमारा सही था, लेकिन जो है रिस्क नहीं ले पाए आज के दिन, क्योंकि मेरे को एक अच्छा लेवल नहीं मिला था भाई, सच बता रहा हूँ मैं, कोई अच्छा लेवल नहीं मिला था। अगर मैं ऐसे ट्रेड करता तो शायद हो सकता था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, बट अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट होना था तो मेरी फर्स्ट कैंडल पे ही एंट्री बन जाती थी, तो नहीं लिया मैं। ठीक है कोई बात नहीं, मूव आते रहेंगे मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बाद में जो है कमा लेंगे। आज का दिन करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेक केयर। तू अभी भी यही है, कैसे नो प्रोफेसी पर किया मैंने मैनिफेस्ट, वी द बेस्ट, तू माने या माने ना यही है, शाने देखे बोले बाबा यही है मेरे।